हेलो एवरीवन। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लैटिस एनर्जी, मतलब चालक ऊर्जा। क्या होती है लैटिस एनर्जी? देखो, इसके बाद में हम बॉर्न हैबर साइकिल भी पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट थर्ड का, आयनिक सॉलिड का। ठीक है, तो लैटिस ऊर्जा क्या होती है? एक लाइन लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। जब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में कंडेंस होकर आयनिक क्रिस्टल या फिर एक सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, ये एक प्रकार के सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। अब उस क्रिस्टल को बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी ऊर्जा रिलीज होती है, वो क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी कहलाती है। हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे Mn प्लस और n, n यहाँ पे क्या है, मोल है, और ये दोनों हमारे पास में क्या है, आयन्स हैं, है ना। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Mx, कोई भी एक क्रिस्टल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जहाँ पे n क्या है, हमारे पास n मोल ले रखे हैं हमने, यहाँ पे हमने इसको 1 मोल लिया है, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, Mn प्लस और x माइनस का हमारे पास में, या फिर nx माइनस बोल सकते हैं, उसका हमारे पास में एक क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा, उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, किसी, इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो है, किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो डिफरेंट डिफरेंट गैसियस आयन्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट गैसियस आयन द्वारा 1 मोल ठोस क्रिस्टल के निर्माण में निकलती है। क्या बोला मैंने, जालक ऊर्जा किसी भी आयनिक क्रिस्टल की, किसी भी आयनिक क्रिस्टल की वह ऊर्जा है जो 1 मोल गैशियस आयन, 1 मोल गैशियस आयन के निर्माण में, है ना, 1 मोल गैशियस आयन के आयन द्वारा क्रिस्टल के निर्माण में, ये गैशियस आयन क्या करेंगे, आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे, तो क्रिस्टल के फॉर्मेशन में निकलती है, वो क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है, यानी उसे जालक ऊर्जा कहा जाता है। ओके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को डिफरेंट डिफरेंट गैशियस आयन की में परिवर्तित किया जाए तो इसके लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वह ऊर्जा क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाती है। आई रिपीट अगेन कि 1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल के निर्माण, क्रिस्टल को डिफरेंट डिफरेंट गैसियस आयन में परिवर्तित किया जाए तो इसके लिए जो ऊर्जा देनी होगी वह ऊर्जा जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहलाती है। ऐसे ही अगर मैं एक जालक लूँ, मतलब मान लो मैं एक कोई भी क्रिस्टल ले लेती हूँ, इसे मैंने क्या लिखा है, एम एक्स लिखा है ना, और ऐसा ही मैंने यहाँ पे क्रिस्टल लिया था। अब इसको ही अगर मुझे तोड़ना है ना, और यहाँ पे एन मोल ले लेते हैं, तो इसको मैं यू एनर्जी देती हूँ, है ना, तो ये क्या करेगा, 2 गैसियस आयन्स के रूप में टूट जाएगा, है ना। तो हमें, हमने एनर्जी दी, और जिस एनर्जी को देने पर क्रिस्टल गैसियस आयन के रूप में टूट गया वो क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। और ऐसा इसके लिए अगर हम बोलें तो 2 गैसियस आयनों के निर्माण में, या फिर 2 मोल n मोल गैसियस आयन के लेते हैं और उससे अगर कोई क्रिस्टल का, या फिर किसका निर्माण होता है,
आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। ये है सिंपल सी डेफिनेशन किसकी, लैटिस एनर्जी की या फिर जालक ऊर्जा की। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो एक मोल सॉलिड को डिफरेंट डिफरेंट गैसियस आयन में तोड़ दे, है ना। तो वो उसकी ऊर्जा जो होगी वो क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। मैंने अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन को आपको बता दिया है, सिंपल फॉर्म में भी बता दिया है। तो ये था हमारी जालक ऊर्जा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पर आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ये 1.5 नंबर के क्वेश्चन में आपको दी जा सकती है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी जालक ऊर्जा। अब सेकंड जो है हमारा टॉपिक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, बॉर्न हैबर साइकिल या बॉर्न हैबर चक्र इसे बोला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में भी दे के पूछ सकते हैं, और वाइड अगर पूछा जाए तो 5 नंबर के क्वेश्चन में भी इसके साथ में कुछ और दे के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, ये जब NaCl सॉलिड की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न हैबर ने निम्न साइकिल को दिया। NaCl क्रिस्टल की क्या थी, NaCl क्रिस्टल लिया था इन्होंने, फिर ना इन्होंने क्या बनाया था उसको, उसकी एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी जो इन्होंने कैलकुलेट की थी और उसके लिए जो साइकिल दिया था वो क्या कहलाया था, बॉर्न हैबर साइकिल कहलाया था। अब उसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, तो पहले हम NaCl का क्रिस्टल लिखेंगे, Na प्लस होता है हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में, Cl माइनस होता है गैशियस फॉर्म में। ये दोनों मिलकर NaCl का क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, जो हमारे पास में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, है ना। अब देखो Na क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, है ना। अब सॉलिड से हमें क्या होता है, इसे जो हम साइकिल पढ़ रहे हैं ना, कि इन दोनों से ये कैसे बना, इधर तो हमने एक सिंपल रिएक्शन लिख दी कि ऐसे ऐसे बना, लेकिन इसके अंदर जो जो एनर्जी आती है यूज़ में आती है, जो जो इसकी स्टेट्स चेंज करने में एनर्जी यूज़ आती है, उन सारी को दिखाते हैं, उन सबको हम एक साइकिल के फॉर्म में दर्शाते हैं, और वही क्या कहलाता है, बॉर्न हैबर साइकिल। यहाँ हम NaCl के लिए पढ़ रहे हैं, और का भी होता है तो आप उस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, सिर्फ आपको एनर्जी बतानी होती है। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे Na और Cl- मिलके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमने Na क्रिस्टल लिया है, Na प्लस क्रिस्टल लिया है, तो एक बार मैं इसको Na ही मानूंगी, Na सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड टू गैस में मुझे बदलना है, सॉलिड टू सीधे गैस में मुझे चेंज करना है, तो इसके लिए जो ऊर्जा यूज़ में आएगी वो क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या फिर सब्लिमेशन एनर्जी उसे बोलेंगे। तो मैं उसे S दे रही हूँ, है ना, S से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं ऊर्जा दे रही हूँ इसलिए प्लस यूज़ में आया है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, गैस की फॉर्म में आ गया, है ना, गैस की फॉर्म में ये हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास में Na, आप इसे मत देखना, ये देखो इसको हटा भी सकते हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं ना, और ये हम जो चेंजेस ला रहे हैं वो है, ठीक है। तो सब्लिमेशन एनर्जी से तो क्या हुआ, सॉलिड टू सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड स्टेप है हमारे पास में क्या है, सोडियम है, हमें इसे आयनिक फॉर्म में चेंज करना है, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालना है, और अगर मैं इस गैस में से सोडियम जो गैस दी हुई है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो उसके लिए जो मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी वो किसके बराबर होगी, आयनन विभव के बराबर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर होगी। तो मैं इसे क्या लिखूंगी, आईपी, ओके, आईपी से ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, है ना,
इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा यूज में आती है वो आयनन विभव कहलाता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, आईपी बोलते हैं। अब देखो इसमें से एक निकल जाएगा तो Na+ गैस फॉर्म में अपने पास में आ जाएगा। इधर हम क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन है अपने पास, क्लोरीन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म के अंदर है। अब देखो हमें इसको क्या होगा, अपने पास Cl2 के दो मॉलिक्यूल है, अपने पास Cl और Cl, इन दोनों को मेरे को क्या करना है, ब्रेक करना है। ये भी देखना कि यहाँ प्लस आई पी क्योंकि अपन दे रहे हैं, ठीक है। Cl, दो Cl के मॉलिक्यूल है, Cl2 लिया है मैंने यहाँ पे, तो मुझे इसे ब्रेक करना है Cl और Cl को। तो ब्रेक करने में जो ऊर्जा यूज़ में आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी। वो भी मुझे एक Cl का मॉलिक्यूल चाहिए तो मैं हाफ यूज़ में लूँगी, हाफ डी, दूसरा नहीं चाहिए, दूसरे का कोई काम नहीं है, एक ही चाहिए तो हम लेंगे हाफ डी, हाफ डी मतलब डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी प्लस में। अब हमारे पास में क्लोरीन तो पहले से ही गैसियस स्टेट में है तो क्या आ जाएगा, Cl गैस आ जाएगी। ओके, अब देखो हमारे पास में Cl गैसियस फॉर्म में आ गई है, अब मुझे क्या करना है, Cl माइनस चाहिए, तो Cl माइनस के लिए मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है। जो ऊर्जा दी जाती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो मैं ई ए लिख दूँ, ये Cl माइनस, वो भी गैसियस फॉर्म में, है ना, और ये माइनस की ई ए हो जाएगी क्योंकि ये रिलीज होती है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को हमें जोड़ना है तो उससे जो ऊर्जा रिलीज हुई है ना, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, और हमने उसे माइनस में ले रखा है। ओके, अब यहाँ पे Cl माइनस हमें मिल गया है। अब देखो ये हमें जो चाहिए था वो मिल गया, Na+ भी मिल गया और Cl- भी मिल गया। अब इससे ये बनाने के लिए दो, मैंने पहले भी बोला था लैटिस एनर्जी क्या होती है कि किसी भी गैसियस आयन के को आयनिक क्रिस्टल में बदलने के लिए जो ऊर्जा रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। इसीलिए इसे हम माइनस यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यू मतलब लैटिस एनर्जी, इसे हमने क्या किया है, लैटिस एनर्जी से रिप्रेजेंट किया है। ओके, इसे यू लिखेंगे। अब थोड़ी सी हम थ्योरी लिखते हैं कि इस इक्वेशन की सहायता से हम किसी एक अज्ञात एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो मैं आपको इसमें से कि कोई भी एक एनर्जी है उसकी वैल्यू ना दूँ, बाकियों की दे दूँ, तो आप उस एनर्जी को इसके थ्रू हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना। तो ये इस बॉर्न हैबर ने दी थी कि आप किसी भी ऊर्जा को, ऊर्जा का जो मान है उसकी वैल्यू है वो इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। अब हमने ना इनको ना क्या करके लिखना है, एकदम सेट करके लिखना है कि हमने कौन कौन सी एनर्जी इसमें यूज़ ली है। तो देखेंगे यहाँ, जो जो एनर्जी हमारी यूज आ रही है वो लिखेंगे। फर्स्ट तो है टोटल एनर्जी, क्या है टोटल एनर्जी, जिसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करती हूँ, है ना, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्यू से, क्यू फॉर क्या है, टोटल एनर्जी। अब हमारी जो टोटल एनर्जी है या फिर हम इसे बोलेंगे टोटल हीट चेंज बोलेंगे, है ना, टोटल हीट चेंज भी बोल सकते हैं या फिर टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल हीट चेंज है ये, ठीक है। टोटल हीट चेंज क्या होगा, Na सॉलिड और Cl2 गैस से NaCl क्रिस्टल के निर्माण में जो ऊर्जा आवश्यक आई है, जो ऊर्जा आया, जो चेंजेस आया है उसका, वो क्या कहलाता है, टोटल हीट चेंज कहलाता है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल हीट चेंज से। ये जो मैं बोल रही हूँ आपको उसको एज ए थ्योरी लिखना है, है ना, क्योंकि अभी मैं बोर्ड पे थ्योरी लिखाऊंगी तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, तो जो भी मैं बोल रही हूँ उसको थ्योरी के रूप में आप लिख लीजिए, ठीक है। सेकंड है
टोटल एनर्जी तो हो गई, सेकंड कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी से। एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा क्या होती है? एनए सॉलिड को एनए गैस में चेंज करने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहलाती है या सब्लिमेशन एनर्जी कहलाती है। थर्ड है हमारे पास में आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी, या आयनन विभव बोलते हैं। क्या है? एन ए टू एन ए प्लस में, एन ए से एन ए प्लस में जो चेंजेस आए हैं, एन ए प्लस के अंदर परिवर्तित करने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन विभव कहलाती है। इसे आई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ है हमारी डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है हमारे पास में? डिसोसिएशन एनर्जी है ना, Cl2 जो गैस फॉर्म में है उसमें से Cl और Cl के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। इसे D से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ क्या है? Ea, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो ऊर्जा रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? ईए, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। ओके, सिक्स्थ है हमारी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी है जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा? एन ए प्लस और सी एल माइनस के क्रिस्टल बनने में, सॉरी, गैसियस आयन टू एन ए सी एल क्रिस्टल बनने में जो ऊर्जा रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? हमारी जालक ऊर्जा या फिर लैटिस एनर्जी कहलाती है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना था हमारा बॉर्न हैबर साइकिल। अब देखो जितनी भी ऊर्जाएँ हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू, बाकी है अपने पास में क्यू के बाद में सब्लिमेशन थी, देन आईपी, फिर डिसोसिएशन हाफ डी और ईए एंड माइनस यू। ये सारी की सारी क्या आ गई? ऊर्जाएं आ गई। अब इसमें से मैं किसी का भी मान आपको स्किप कर दूं, है ना, जैसे Q का मान निकालना हो आपको और बाकी सब की वैल्यूज़ दी भी हो तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं इजीली किस किस की वैल्यू आ जाएगी। जिसका भी आपसे पूछा जाए, चाहे वो सब्लिमेशन क्या हो, चाहे वो लैटिस एनर्जी की वैल्यू हो, ये सब आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, है ना। और ये जो साइकिल था हैस रूल पर आधारित है। ये साइकिल है हैस रूल। इम्पॉर्टेंट है कि ये बॉर्न हैबर साइकिल किस पर आधारित है? हैस रूल पर आधारित है। अब हैस रूल क्या होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू हैस रूल किसी केमिकल चेंज में होने वाला हीट परिवर्तन सदैव कांस्टेंट रहता है। रिएक्शन चाहे वन स्टेप में करवाई जाए या फिर एक से अधिक स्टेप्स में करवाई जाए। ठीक है, मतलब जो हीट चेंजेस होगा, इन सारी जितनी भी रिएक्शंस है ये सारी स्टेप्स में हो रही है, बहुत सारी, तो रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या फिर एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर करवाई जाए, पर जो हीट का परिवर्तन है, हीट चेंजेस है, वो सदैव कांस्टेंट ही रहता है। मतलब उसमें जो ऊर्जा जितनी दी गई है उतनी ही रिलीज होगी। परिवर्तन है जो ऊर्जाओं का वो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। तो ये था हैस रूल और ये बॉर्न हैबर साइकिल उसी पर ही आधारित है। इतना ही था हमारा बॉर्न हैबर साइकिल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बीएससी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और जो भी मैंने जितना भी बोला है आप उसको नोट्स फॉर्म के रूप में बना के लिख लेना, क्योंकि बोर्ड पे सिर्फ रिएक्शन ही लिखाए जा सकते हैं और जो भी मैंने बोला है उसको नोट्स बना के लिखना। थैंक यू।